जलने वालों के दिल में जलता है ईर्ष्या का प्याला। जलने वालों को क्या मालूम कि खुशियां उनके भी कदमों के साथ ही चलती हैं। अपने अंतर की आग को बुझा लो, खुद को स्वीकारो और दूसरों की खुशी में खुद को भुला लो। सालों से हमें कहावत सुनते आ रहे हैं कि इंसान खुद के दुख से दुखी नहीं होता, दूसरों के सुख से दुखी होता है। अमिताभ से जुड़े एक किस्से पर ये लाइन बिल्कुल फिट बैठ रही। सालों पहले ऐसा क्या हुआ था कि अमिताभ बच्चन को अपने घर में कुरान रखनी पड़ी थी और उन्हें भयंकर गुस्सा आ गया था। चलिए आज इससे जुड़ा आपको एक ऐसा किस्सा बताते हैं जिसके बारे में शायद ही लोग जानते हों। बात उन दिनों की है जब अमिताभ बच्चन अपने करियर की शुरुआत में मशहूर कॉमेडियन और एक्टर महमूद के घर पर रहा करते थे। अमिताभ महमूद को अपना गॉडफादर मानते थे। करियर की शुरुआत में अमिताभ का महमूद ने बहुत साथ दिया था। अमिताभ काफी दिनों तक महमूद के घर पर भी रहे थे। वहीं इनके साथ महमूद की छोटी बहन बेबी आपा भी रहा करती थी। उनका तलाक हो चुका था, वो अपने बेटे के साथ भाई महमूद के साथ ही रहा करती थी। अमिताभ बच्चन भी बेबी आपा को अपनी बड़ी बहन माना करते थे और बेबी आपा उन्हें अपना छोटा भाई मानती थी। महमूद के घर में कुछ दिनों तक रहने के बाद अमिताभ अपने घर में शिफ्ट हो गए। जब अमिताभ महमूद का घर छोड़कर अपने घर में शिफ्ट हुए, उस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ एक नौकर भी था। इस समय पर अमिताभ के घर की देखरेख की भी पूरी जिम्मेदारी महमूद की छोटी बहन बेबी आपा ने ली हुई थी। अमिताभ के घर की जिम्मेदारी बेबी आपा ने बड़ी बहन के नाते संभाली हुई थी। अमिताभ बच्चन उस वक्त अकेले थे और घर की सारी देखभाल वहीं किया करती थी। राशन से लेकर धोबी को जाने वाले कपड़े हो या घर से जुड़ी कोई और चीज, बेबी आपा अपने भाई के घर का बखूबी ध्यान रख रही थी। अमिताभ भी हर महीने बेबी आपा को पैसे दे दिया करते थे। महीने में जो भी खर्चा हुआ करता था, बेबी आपा हर तीसरे चौथे दिन अमिताभ के घर आया जाया करती थी। वहीं एक दिन बेबी आपा अमिताभ के घर कुरान मजीद लेकर गई थी, जो कि इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ है। बेबी आपा ने कुरान मजीद अमिताभ को दी थी, जिसके बाद एक्टर ने कुरान को घर की सबसे पाक जगह पर रख दिया। बेबी आपा जब भी अमिताभ बच्चन के घर आया करती थी, वो कुरान मजीद पढ़ लिया करती थी और अमिताभ को ये कहकर जाया करती थी कि कुरान को बंद नहीं रखना चाहिए, कभी कभी कुरान खोलकर तिलावते कुरान कर लेना चाहिए। अमिताभ बच्चन भी बेबी आपा की बात मानकर कुरान खोलकर देख लिया करते थे। लेकिन उन दिनों कुछ ऐसा हो गया था जिसके बाद अमिताभ बच्चन को जोरदार गुस्सा आ गया। वो कहते हैं ना, लोगों को अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से ज्यादा दुख होता है। ऐसा ही कुछ अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ। बेबी आपा का अमिताभ बच्चन के घर हर तीसरे चौथे दिन आना कुछ लोगों को रास नहीं आया था और लोगों ने उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया था। उन दिनों एक मैगजीन ने भी यह खबर छाप दी कि अमिताभ अकेले रहते हैं और महमूद की बहन अक्सर उनके घर आया जाया करती है, दोनों के बीच अफेयर है और दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस खबर को पढ़कर अमिताभ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पब्लिकेशन हाउस को जमकर लताड़ लगाई थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन काफी परेशान हो गए थे। अमिताभ बेबी आपा के भाई महमूद से मिलने से संकोच करने लगे, या यूं कहें कि वो उनसे मिलने से कतराने लगे थे। अमिताभ को डर था कि कहीं महमूद उनके बारे में कुछ गलत ना सोचने लगे, क्योंकि वो महमूद को अपना गॉडफादर और बेबी आपा को अपनी बहन माना करते थे। कहा जाता है कि अमिताभ कई दिनों से महमूद के सामने नहीं आए थे और ना ही उनसे बात की, लेकिन कुछ वक्त बाद महमूद ने खुद आगे बढ़कर अमिताभ बच्चन को समझाया और कहा कि ऐसी झूठी खबरों का सच्चे रिश्तों पर कोई असर नहीं होता। बाद में दोनों के बीच फिर से सब कुछ ठीक हो गया था। तो ये था अमिताभ बच्चन से जुड़ा बेहद ही दिलचस्प किस्सा, जिसकी आज भी खूब चर्चा होती। आपको ये किस्सा कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं।